In the name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful. You are listening to the voice of Sarana. Our contact number is 0305631946. Respected participant, friend, follower, subscribe, like and share our channel, the ESL Academy. We are going to discuss sonnet number 27 by Shakespeare. In this sonnet, Shakespeare keh rahe hain, सारा दिन काम करता हूँ, थकावट होती है, तो जब मैं अपने बेड के पास आता हूँ तो मैं सोना चाहता हूँ, थकावट से चूर, आई वॉन्ट टू रेस्ट. बट एज आई लाई डाउन, व्हाट हैपन्स? द स्ट्रीम ऑफ थॉट्स, दे ओवरलैप मी. बहुत सारी थॉट्स जो हैं, तुम्हारी सोच जो है वो आ जाती हैं और मुझे घेर लेती हैं और मैं सारी रात सो नहीं पाता. तो शेक्सपियर अपने दिल की कंडीशन जो है वो बता रहे हैं कि सारा दिन काम करता हूँ, काम और काम की थकावट की वजह से थकावट में होता हूँ और बेड पे आता हूँ तो साथ ही तुम्हारी सोच जो है, तुम्हारी सोचें जो हैं वो मुझे घेर लेती हैं और मैं सो नहीं सकता. पोएट अपनी बेबसी का जिक्र कर रहा है. ही इज़ टॉकिंग टू हिज फ्रेंड दैट यू आर नॉट डूइंग गुड विद मी, यू आर just giving me lot of torture, agony and suffering. तो शिकायत कर रहा है अपने beloved से, जो उसका friend है उसके साथ वो शिकायत कर रहा है. आपको पता है कि यहाँ पे दो तरह का love वो discuss करता है. एक वो boy का friend है, दूसरा boy का love है, और एक female dark lady का love है. लेकिन हम यहाँ पे उस boy का ही जिक्र कर रहे हैं, जो खूबसूरत लड़के की फ्रेंडशिप है. वेरी विथ टॉयल्स आई हेस्ट मी टू माई बेड. वेरी बोर्ड, थका हुआ, विथ टॉयल्स, मैं एफर्ट, कोशिश, वर्क, सारा दिन कहता वर्क के बाद थकावट से चूर, आई हेस्ट मी टू माई बेड. मैं अपने बिस्तर की तरफ जाना चाहता हूँ या सोना चाहता हूँ. द डियर रिपोज फॉर लिम विद द ट्रैवल टायर्ड, ताकि अपनी टांगों को, जो सारा दिन मैं चला हूँ, सारा दिन मैंने जो वर्क किया है, लिम होता टांगे, लेग्स, ताकि जो मेरी सफ़र से थकी हुई टांगे हैं मैं उनको रिपोज करूँ, मैं उनको रेस्ट करूँ. सफ़र से थकावट, इतनी ज़्यादा जो थकावट है, मैं उसकी वजह से कहता है मैं रेस्ट करूँ, रिपोज करूँ. बट देन बिगन अ जर्नी इन माई हेड, लेकिन फिर बाद में जहन में तुम्हारे ख्याल जो हैं वो शुरू हो जाते हैं, उनकी जर्नी शुरू हो जाती है, या उनका एक नया सफ़र शुरू हो जाता है. यानी उधर से सफ़र करके आता हूँ थका हुआ, थकावट से चूर, बिस्तर पे जाने लगा हूँ, साथ ही कहता जब जैसे ही लेटता हूँ तुम्हारी जर्नी शुरू हो जाती है सोच की. टू वर्क माई माइंड वेन बॉडी वर्क इज एक्सपायर, तो मेरे कहता दिमाग का वर्क फिर शुरू हो जाता है और दूसरा जो मेरा फिजिकल जो ट्रैवल है या जर्नी है वो ख़त्म होती है, तो दिमाग की जर्नी शुरू हो जाती है. यानी ये मैं सोचने लग जाता है, मेरा माइंड तुम्हें ही सोचता है. पोएट कहता है कि उसे सोने नहीं देता. तुम्हारी सोच, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी फीलिंग, वो जो बॉय का लव है, वो उसे सोने नहीं देता. टू वर्क माई माइंड वेन बॉडीज वर्क इज एक्सपायर, बॉडी का वर्क जो है वो एक्सपायर होता है, तो साथ ही तुम्हारी सोच का वर्क शुरू हो जाता है. फॉर देन माई थॉट्स फर फ्रॉम फर वेयर आई अबाइड, अबाइड का मतलब होता है रहना. चूंकि मेरी सोच जो है, यानी मैं तुमसे बहुत ज्यादा हूं, तुम्हारी सोच, यानी मैं तुमसे चूंकि बहुत ज्यादा दूर रहता हूं, इंटेंडेड अ ज़ेलियस पिलग्रिमेज टू दी, तो फिर मेरा दिल जो है वो तुम्हें देखने की, तुम्हारी ज़ियारत का ख्वाहां हो जाता है. यानी फिर मेरे ख्यालात मुझे ये कहते हैं कि क्या करें, तुम्हें देखने की या तुम्हारी ज़ियारत का भरपूर इरादा करता है मेरा दिल या मेरी सोचें. एंड कीप माई ड्रूपिंग आईलिड ओपन वाइड. ड्रूपिंग का मतलब लिखें नीचे झुकना किसी चीज़ का, गोइंग डाउन होना, ठीक है. और साथ दूसरा लिखें, दूसरे का मानी लिखें एंड कीप माई ड्रूपिंग आईलेट
ओपन वाइड, ये आंखों के ऊपर जो कवर होता है ना, जो आंख को आई बाल को जो संभालता है या उससे कवर उसकी प्रोटेक्शन करता है, इसे कहते हैं आईलिड। एंड कीप माई ड्रूपिंग आईलिड ओपन वाइड, और मेरी आंखों के कवर को कहता है जो बिल्कुल सारा दिन खुला रखता है, यानी खुला रखता है, यार सॉरी रात उसको खुला रखता है, उसे सोने नहीं देता। लुकिंग ऑन डार्कनेस विच द ब्लाइंड डू सी, और फिर क्या करता है, और कहता है तुम्हारी ज्यारत का करने का भरपूर इरादा कर लेते हैं, और फिर वो कहता है कि मेरी आंखों के जितने भी कवर हैं, जो मेरी आंखें का कवर है उसको खुला रखते हैं, और अंधेरे में घूरता रहता है, और कहता है ऐसे ऐसे लगता है कि जैसे अंधे ही देख सकते हैं। लुकिंग ऑन डार्कनेस विच द ब्लाइंड डू सी, कहता है और कहता क्या करता है, और फिर घूरता रहता है अंधेरे में, घूरता रहता है क्या, मेरे जो मेरी आंखें हैं वो क्या अंधेरे में कहता घूरती रहती हैं, जिसको सिर्फ अंधे ही देख सकते हैं। उसके बाद वो कहता है आगे, सेव दैट माई सोल इमेजिनरी साइट, फिर कहता है सिर्फ मेरी रूह, सिर्फ मेरी रूह की ख्याली नजरों के जरिए, प्रेजेंट दाई शैडो टू माई साइटलेस व्यू, प्रेजेंट दाई शैडो टू माई साइटलेस व्यू, मेरी आंखों के सामने, कहता है मेरी बेनूर आंखों के सामने तुम्हारा अक्स आ जाता है। प्रेजेंट दाई शैडो टू माई साइटलेस व्यू, कहता है साइटलेस का मतलब होता है बेनूर, व्यू आंखें मेरे, कहता है फिर मेरे तुम्हारा चेहरा मेरी बेनूर आंखों के सामने आ जाता है। दूसरे लफ्ज़ में प्रेजेंट दाई शैडो तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा अक्स मेरी बेनूर आंखों के सामने, यानी आंखें तो अंधेरे में दिखाई क्या देता है। विच लाइक अ जूल हंग इन द गेस्टली नाइट, वो ऐसे है कि जैसे अंधेरी रात में, कहता है कि जैसे कोई जूल है, कोई हीरा है, कोई पर्ल है, यानी जब तुम्हारा चेहरा आता है ना, वो ऐसे ही है मेरे सामने जैसे कोई अंधेरी रात में कोई आ गया, कोई जूल आ गया मेरे सामने। मेक ब्लैक नाइट ब्यूटीज एंड हर ओल्ड फेस, यहाँ पे कंपेयर किया, याद रखें पर्सोनीफाई किया रात को किसके साथ, बूढ़ी औरत के साथ। मेक ब्लैक नाइट ब्यूटीज, और कहता है तारीख अंधी रात को खूबसूरत बना देता है, एंड हर ओल्ड फेस न्यू, और उसके पुराने चेहरे को नया बना देता है। लो देखो, दस बाय डे माई लिम्स, बाय नाइट माई माइंड, लिम का मतलब लिखें जिस्म, यहाँ पे माइंड का मतलब रूह, कहता है दस ताहम, देखो ताहम क्या होता है, दिन को मेरा जिस्म जो है वो सारा दिन सुलगता रहता है, परेशान रहता है, वर्क करता है, बाय नाइट माई माइंड, और रात को कहता है मेरा दिमाग। फॉर दी एंड फॉर माई सेल्फ नो क्वाइट फाइंड, तुम्हारी वजह से और मेरी वजह से कहता है कि कोई सुकून नहीं पाता। व्हाट इज थिंग, कि पूरा जो बॉडी है वो तुम्हारी और मेरी वजह से परेशान रहता है, हम दोनों कॉज हैं, हम दोनों कारण हैं इस चीज़ का। सो नो यू कैन राइट क्रिटिकल एप्रिसिएशन एज मच एज यू कैन, इसके अंदर से फाइंड कर ले जो चीज़ें इस तरह की, जैसे मैंने अभी फाइंड किया कि ओल्ड न्यू फेस जो है पर्सोनिफिकेशन है, डार्कनेस को कंपेयर किया गया, आईलेट को कंपेयर किया गया, उसके बाद जीलियस पिलग्रिमेज के जैसे लोग इकट्ठे होके पिलग्रिमेज करते हैं, तो इसी तरह मेरी थॉट्स जो सारी इकट्ठी होती हैं, वो कहती चलो उसकी ज्यारत को चले, तो उसको कंपेयर किया गया कि इनके साथ पिलग्रिम्स के साथ उसको कंपेयर किया गया। ये सारी आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन में लिख सकते हैं, और ये एक ब्यूटीफुल बॉय के ऊपर लिखा है जो उसका फ्रेंड था, एक ट्राइंगुलर लव में थे शेक्सपियर। With the name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful. You are listening to the voice of Sarana. Our contact number is 0305-631-9464. Respected participant, friend, follower, subscribe, like and share our channel, the ESL Academy. We are going to discuss sonnet number 27 by Shakespeare. In this sonnet, Shakespeare कह रहे हैं, सारा दिन काम करता हूँ, थकावट होती है, तो जब मैं अपने बेड के पास आता हूँ तो मैं सोना चाहता हूँ, थकावट से चूर, आई वॉन्ट टू रेस्ट, बट एज आई लाई डाउन व्हाट हैपन्स,
The stream of thoughts, they overlap me. बहुत सारी thoughts जो हैं, तुम्हारी सोच जो है वो आ जाती हैं और मुझे घेर लेती हैं और मैं सारी रात सो नहीं पाता. तो शेक्सपियर अपनी अपने दिल की कंडीशन जो है वो बता रहे हैं कि सारा दिन काम करता हूँ, काम और काम की थकावट की वजह से थकावट में होता हूँ और बेड पे आता हूँ तो साथ ही तुम्हारी सोच जो है, तुम्हारी सोचें जो हैं वो मुझे घेर लेती हैं और मैं सो नहीं सकता. पोएट अपनी बेबसी का जिक्र कर रहा है. ही इज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड दैट यू आर नॉट डूइंग गुड विद मी, यू आर जस्ट गिविंग मी लॉट ऑफ टॉर्चर, एग्नी एंड सफरिंग. तो शिकायत कर रहा है अपने बिलव्ड से, जो उसका फ्रेंड है उसके साथ वो शिकायत कर रहा है. आपको पता है कि यहाँ पे दो तरह की लव की, दो तरह का लव वो डिस्कस करता है. एक वो बॉय का फ्रेंड है, दूसरा बॉय का लव है, और एक फीमेल डार्क लेडी का लव है. लेकिन हम यहाँ पे उस बॉय का ही जिक्र कर रहे हैं, जो खूबसूरत लड़के का, लड़के की फ्रेंडशिप है. वेरी विद टॉयल्स आई हेस्ट मी टू माई बेड. वेरी बोर्ड, थका हुआ, विद टॉयल्स, मैं एफर्ट, कोशिश, वर्क, सारा दिन कहता वर्क के बाद थकावट से चूर, आई हेस्ट मी टू माय बेड, मैं अपने बिस्तर की तरफ जाना चाहता हूँ या सोना चाहता हूँ. द डियर रिपोज फॉर लिम विद द ट्रैवल टायर्ड, ताकि अपनी टांगों को, जो सारा दिन मैं चला हूँ, सारा दिन मैंने जो वर्क किया है, लिम होता टांगे, लेग्स, ताकि जो मेरी सफर से थकी हुई टांगे हैं मैं उनको रिपोज करूँ.